नमस्कार, वेलकम टू माई स्टाइल। आज हम बनाने जा रहे हैं बचे हुए दाल चावल से करारी करारी पकौड़ियाँ। हम ले रहे हैं सुबह के बचे हुए राइस, प्लेन राइस हैं ये कटोरी है लगभग, और इसमें हम डाल देंगे अरहर की दाल, ये भी आधा कटोरी बची हुई थी सुबह की। डालेंगे 4 टेबलस्पून बेसन और 2 प्याज हैं, 1 छोटी शिमला मिर्च जिसको हमने महीन महीन काट लिया। साथ ही ऐड कर रहे हैं ये धनिया पत्ती की जो डंडियाँ होती हैं इसे हमने काटा है महीन महीन, इसको इसमें डाल दिया है। और ऐड करेंगे 4 छोटी हरी मिर्च, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा है जिसको हमने कद्दूकस किया है, और 4 लहसुन की कलियाँ इसे हमने महीन काटा है। लहसुन अदरक आप अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं, वैसे सर्दियों के समय पर ये अच्छी लगती है। साथ ही ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1 छोटी चम्मच समूची धनिया और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब इन सबको हमें मिक्स करना है अच्छे से। 1/2 कप पानी डाल के इसका मिक्सचर तैयार कर लिया है। अब इसमें हम खौलता हुआ तेल डालेंगे 1 बड़ा चम्मच और इसको मिक्स करेंगे। कढ़ाई में तेल गरम करके इसमें छोटे छोटे ड्रॉप मिक्सचर के गिराते जाएंगे हाथ से या चम्मच से, फिर हमारा कुछ गर्म होना चाहिए। अगर तेल में डालते समय पकौड़ियाँ फूटने लगें, फैलने लगें, तो इसमें बेसन की मात्रा थोड़ी सी और बढ़ा दें। ज़्यादा स्पाइसी बनाने के लिए मिक्सचर में चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, और अपनी मनपसंद सब्जियाँ भी डाल सकते हैं जैसे गाजर, बीन्स, गोभी, ब्रोकली। पकौड़ियाँ हमारी तरफ से हो गई हैं और इसको हमने पलट दिया है। फ्लेम हमारी लो मीडियम है, पहले हमें तेज आँच पर पकौड़ियाँ डालनी थी, इसके बाद हमने आँच को मीडियम कर दिया और मीडियम आँच पे इसे पका रहे हैं ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए। पकौड़ियाँ गोल्डन हो गई हैं और इसको हम निकाल लेंगे। तो गर्मा गर्म पकौड़ियाँ हमारी तैयार हैं, और इसका चाय के साथ मज़ा लीजिए। रेसिपी को ट्राई कीजिए, अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।